को आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि जब डेप्रिसिएशन होगी तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि डेक एंड डाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, DEC स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर एंड डेप्रिसिएशन मेक्स इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव। अब इसका शॉर्ट रन में इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, लॉन्ग रन में इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब शॉर्ट रन टाइम होता है तो उस टाइम पे डिमांड आपके पास इन इलास्टिक होती है, और लॉन्ग रन के अंदर डिमांड इलास्टिक हो जाती है। डिमांड इन इलास्टिक को अगर हम क्विकली रिव्यू कर लें तो इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये था कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा और डिमांड में कम चेंज आएगा, और इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। सो डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स चीपर होंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ज़्यादा रेट के साथ कम हो रही है। डबल एरो ये शो कर रहे कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ज़्यादा रेट के साथ कम हो रही है लेकिन एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम रेट के साथ इंक्रीज कर रही है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा। एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांड विल स्लाइटली राइज बट इट विल लीड टू फॉल इन टोटल रेवेन्यू। सो एक्सपोर्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुई, एक्सपोर्ट की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट के रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू शॉर्ट रन में कम हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल था कि डाई की फॉर्म में हम देख रहे हैं DIE मीन डेप्रिसिएशन मेक्स इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव। सो इम्पोर्ट्स की प्राइस आपके पास बढ़ जाएगी, इम्पोर्ट्स की प्राइस जब बढ़ेगी तो उसका बढ़ने का रेट काफ़ी ज़्यादा होगा लेकिन इम्पोर्ट्स की डिमांड ज़रा सी कम होगी, कम रेट के साथ कम होगी। सो इम्पोर्ट पेमेंट विल राइज एज अ प्रिंसिपल ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज टोटल पेमेंट्स या टोटल एक्सपेंडिचर विल राइज। सो अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ, ओवरऑल इम्पैक्ट ये क्रिएट हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग कम होगी, इम्पोर्ट पेमेंट्स बढ़ गई तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट में चला जाएगा। सो जो हमारे पास जे कर्व या मार्शल लर्नर कंडीशन का जो हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें डिमांड हमारे पास इन इलास्टिक है, उस केस में हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग अगर अपने फोन्स को म्यूट कर दें, सारे लोग, कुछ लोगों का अभी भी ऑन है जो म्यूट नहीं हुआ हुआ जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी लेकिन कम रेट के साथ कम होगी, लेकिन चूंकि डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड का प्रिंसिपल ये है कि प्राइस ज़रा सी कम होने से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट ज़्यादा रेट के साथ बढ़ेगी, डबल एरो शो करें कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड काफ़ी रेट से बढ़ेगी, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट अर्निंग आपकी इंक्रीज कर जाएगी। लाइक प्राइस एक्सपोर्ट की ज़रा सी कम हुई, इट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट ड्रामेटिकली, सो एक्सपोर्ट अर्निंग विल राइज। एंड ऑन द अदर हैंड इफ देर इज राइज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, स्मॉलर राइज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट विल लीड टू अ ग्रेटर फॉल इन क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर इम्पोर्ट एंड इट विल लीड टू फॉल इन इम्पोर्ट पेमेंट। सो ओवरऑल इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन वुड बी एक्सपोर्ट अर्निंग आर इंक्रीजिंग, इम्पोर्ट पेमेंट्स आर फॉलिंग, सो इट विल lead to balance of trade surplus. So that's why ये जो graph है हमारे पास ये इस तरह J curve की तरह बनता है। J curve इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी shape J की तरह मिलती है, J भी basically इसी तरह से होता है और इसकी almost J से shape मिलती है, इसलिए इसको J curve का नाम देते हैं, और इसी सारे phenomena को हम Marshall Lerner condition भी कहते हैं। अब ये devaluation की वजह से शुरू में deficit हुआ, long run में surplus हुआ। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप सिर्फ ये चीज़ जेन में रखते हैं कि डी वैल्यूएशन का इम्पैक्ट इस तरह जे फॉर्म में बनता है, तो फिर इसके ये रिलेशंस बिल्ड करना कोई आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये रिलेशंस याद नहीं भी रहते, तब भी आप ये जे कर्व बना के आप बता सकते हैं कि शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में जब डी वैल्यूएशन करेंगे तो ये डेफिसिट को कॉज करेगी, लॉन्ग रन में ये सरप्लस को कॉज करेगी। अगर इतना भी याद हो तब भी आपको वो काफ़ी सारे मार्क्स अवॉर्ड कर देता है। उसके बाद अगर हम देखें एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट देखें तो वो इसका क्वाइट ऑपोजिट है, लेकिन अभी चूंकि हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को देख लें तो इसके अंदर प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी के अंदर टैरिफ कोटा एम्बार्गो आता है, और दूसरी जो स्विचिंग पॉलिसी है वो डीवैल्यूएशन है, और डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हमारे पास ये क्रिएट होता है।
डीवैल्यूएशन के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा और किन चीज़ों पे इम्पैक्ट जाएंगे? अगर हम शॉर्ट रन में देखें, शॉर्ट रन में हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट या सॉरी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ये होगा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी सफ़र करेगी, और लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी उसकी वजह से फॉल करेगी, और जीडीपी भी फॉल करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल करेगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होगा कि इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। हाउएवर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ जाएगी। लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी फ्लरिश करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जीडीपी एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अगर से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करें एप्रिसिएशन, सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन अच्छी नहीं होती। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारे पास गुड इन्फ्लेशन है, लेकिन उसके फिर अगेन रेट पे डिपेंड करता है और कितने टाइम के लिए वो लाए करता है, एंटीसिपेटेड था या okay. काफी सारी और फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर उसमें हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो वो डेफिनेटली चाहे डिमांड पुल है चाहे कॉस्ट पुश हो, दोनों केसेस में वो काफी ज्यादा ड्रास्टिक होगा। जी, तो ये हमारे पास आ जाता है डीवैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा।